माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेनर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आप सबके साथ एक वीडियो साझा की थी जिसमें हमने आप सबको बताया था कि माता रानी की पवित्र पावन यात्रा में लोग किस तरीके से फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसे ले लेते हैं। ऐसे में उस वीडियो में आप सबने बहुत प्यार दिया, फेसबुक पे तो वो वीडियो जो है वो वायरल हो गई, लगभग 3 से 3.5 मिलियन व्यूज़ उस पर आए और बहुत सारे भक्तों का उसमें भर भर के कमेंट आया। कमेंट में सिर्फ भक्तों ने यही बताया कि मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ है, हम भी इस फ्रॉड के शिकार हुए हैं, हमने भी ऐसे लोगों को कई बार कई पैसे दे दिए हैं। तो ऐसे में वो वीडियो मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन था कि आप सबने उसको वायरल कराया और खासकर आपने उस वीडियो को लोगों तक पहुंचाया ताकि आने वाले जो भी माता रानी के भक्त हैं वो इससे पूरी तरीके से सावधान रहें। आज की ये वीडियो भी लगभग उसी तरीके से है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि माता रानी की पवित्र पावन यात्रा में जो हेलीकॉप्टर सुविधा मिलता है उस पर कैसे लोग किस तरीके से फ्रॉड करते हैं। चलिए अब हम आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं और उसके बाद हम आप सबसे मिलते हैं। सर गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मैं अभी इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, मुझे हेलीकॉप्टर टिकट चाहिए था, हम अभी वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं सर। जी सर। तो उसके लिए मुझे सर मैं अभी प्लान कर रहा हूँ मार्च में, मार्च 15 मार्च के आसपास, होली के टाइम 15 मार्च को। जी सर। कितने लोग आप सर? सर हम लोग 6 लोग हैं टोटल। 6 पर्सन? जी 6 पर्सन। जी सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जी बोल रहा हूँ, आने करवाना है फिर आने जाने दोनों का? नहीं दोनों सर, एक्चुअली क्या है कि हमारे साथ हमारे कुछ फैमिली मेंबर भी हैं तो वो चलने में असमर्थ हैं सर, वो चल नहीं पाएंगे। तो इसका आ जाएगा 3,250 रुपीज़ मल्टीप्लाई 6 आएगा, आपका हो जाएगा 19,500 रुपये होगा। 50% पहले पेमेंट करना होगा, 50% टिकट मिलने के बाद सर, या फिर आप बोर्डिंग पास लेने के बाद। अच्छा अच्छा सर, तो ये बताइए कि ये सर लेकिन एक्चुअली सर इसका एक लोगों का 3,000 रुपये है। 3,250 रुपये एक साइड का कि दोनों साइड का है सर? दोनों साइड का है सर। अच्छा 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 सर, तो काफ़ी कॉस्टिंग है। हमने सोचा तो हमने तो 1,800 रुपये के आसपास शायद देखा था, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे चेक किया तो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है सर। देखिए सर क्या है ना सर, वो सब गवर्नमेंट हो गया जी, सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का अटैचमेंट होता है सर ये। अच्छा अच्छा, तो सर टिकट्स, अच्छा मतलब कि वो मतलब अगर हम वहाँ से बुक करेंगे तो गवर्नमेंट रहता है और आपसे करें तो दोनों मतलब अवेलेबल रहता है? हाँ गवर्नमेंट दोनों होता है सर। अच्छा 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 अच्छा, तो पर पर्सन वही 3,200 के आसपास लगेगा। अब पेमेंट सर ऑनलाइन कितना करना पड़ेगा? 50% आपको पहले देना होगा, 50% टिकट मिलने के बाद या फिर बोर्डिंग पास मिलने के बाद सर। अच्छा अच्छा, इसमें और कुछ भी इंक्लूड रहता है या हेलीकॉप्टर टिकट ही रहता है, मतलब दर्शन वगैरह VIP दर्शन? मतलब कि ये यात्रा पर्ची आपको मिल जाएगी जी, और VIP एंट्री होगी सर आपकी। अच्छा VIP एंट्री, VIP पास भी मिल जाएगा मुझे जी सर। अच्छा अच्छा, मतलब एक इस तरह का है, ठीक है सर, यही थोड़ा सा क्वेरी था। ठीक है, अभी मैं फैमिली से बात कर लेता हूँ। और फिर पेमेंट कैसे करना पड़ेगा आपको, मतलब किस माध्यम से? ऑनलाइन किसी माध्यम से पेमेंट आप कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, IMPS। अच्छा अच्छा, और सर वो इसका टिकट कब मिलेगा, जो टिकट हमें मतलब वहाँ दिखाना पड़ेगा, शो ऑफ कराना पड़ेगा? मतलब टिकट अभी हम आपको दे देंगे सर, कोई सुनी टिकट अभी आपको हम सेंड कर देंगे। अच्छा, टिकट हमें तुरंत जैसे हम पेमेंट करेंगे तो हमें टिकट सारा मिल जाएगा? हाँ 50% ही पेमेंट करना है पहले आपको, 50% पेमेंट करना है, टिकट अभी आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, अब 50% सर फिर कब करना, मतलब 50% कहाँ करना पड़ेगा? 50% मतलब कि आप वहाँ पे बोर्डिंग पास मिलेगा आपको, जब आप हेलीकॉप्टर में बैठोगे तो उसके पहले आपको एक बोर्डिंग पास मिलेगा, मिलने के बाद उसमें एंट्री होगी तो आपको उसमें 50% आपको वहाँ पे पेमेंट करना होगा, या फिर अभी भी पेमेंट आप कर सकते हो, कोई सुनने टिकट मिलने के बाद, या फिर आपको लगता है कि सर मैं वहीं पे पेमेंट करूँ तो अभी भी पेमेंट आप कर सकते हो। तो बोर्डिंग पास मतलब वो कहाँ से मिलेगा सर, वो कैसे लेना होगा? मतलब वहाँ पे जाते हैं हेलीपैड पे जाओगे तो आपको एक बोर्डिंग पास मिलेगा सर। अच्छा अच्छा, वो फिर हमें जो है फिर बोर्डिंग पास हम लेंगे तब जाकर हमको जो है फिर आपको हेलीकॉप्टर में आपको एंट्री होगी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सिस्टम है ऐसे? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं अभी थोड़ी देर में कंसर्न करके फैमिली को फिर आपको कांटेक्ट करता हूँ सर। तो जैसा कि आप सबने बड़े ध्यान से इस ऑडियो क्लिप को सुना होगा, इस ऑडियो क्लिप में हम ये जानना चाहते थे कि लोग किस तरीके से फ्रॉड करते हैं,
पहले वो क्या करते हैं कि श्राइन बोर्ड के जो भी कॉस्टिंग होता है उससे कम बताते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड पे जो हेलीकॉप्टर की टिकट की कॉस्टिंग है वो लगभग 1800 रुपये है, यानी अप एंड डाउन दोनों साइड का आप देखेंगे तो आपको ये 3600 रुपये के अप्रॉक्स पड़ेगा। लेकिन ये क्या बता रहे हैं, ये 3200 रुपये बता रहे हैं। ऐसे में होगा क्या कि जब ये कम कॉस्टिंग की टिकट बताएंगे तो लोग इनसे कराना चाहेंगे और इन्हीं के थ्रू जो है वो अपनी टिकट कराकर यात्रा करना चाहेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा फ्रॉड तो इनका यही है कि ये प्राइस कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये कहते हैं कि आप हमें पैसा जो है वो आधा पहले दे दो आधा बाद में दो, यानी कुछ पैसे एडवांस में दो और कुछ वहाँ पर पहुँचने के बाद देना। जबकि श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पर आप सबको पता है कि श्राइन बोर्ड पूरा पेमेंट लेता है, वो आधा या ऐसा कुछ नहीं कहता कि आप एडवांस दो या ये दो वो दो, वो पूरा का पूरा पेमेंट लेता है और आपको ऑन द स्पॉट उसका टिकट दे देता है ताकि उस टिकट को जाकर जब आप वहाँ पर वेरीफाई कराएं तो पूरी तरीके से वो सही हो। तीसरा पॉइंट आपने नोटिस किया होगा कि ये बता रहे हैं कि VIP दर्शन भी इंक्लूड रहेगा, जबकि आप चाहें तो वेबसाइट खोलकर देख लीजिए श्राइन बोर्ड का, उस पर कहीं पर भी कोई VIP एंट्री नहीं है, ना ही कोई VIP पास है। माँ भगवती के दरबार में सब एक जैसा होता है, वहाँ कोई VIP नहीं होता। लेकिन इनका किस तरीके से सिस्टम था आपने पूरी तरीके से इस ऑडियो क्लिप में सुना होगा। तो ऐसे में आप सबको ध्यान यही रखना है कि इन फ्यूचर आप किसी प्रकार से कोई भी बुकिंग कर रहे हैं, चाहे आप डॉर्मेट्री की बुकिंग कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रहे हैं, बैटरी कार की बुकिंग कर रहे हैं, अटका आरती की बुकिंग कर रहे हैं, या फिर आप किसी प्रकार से कोई डोनेशन दे रहे हैं, इसके अलावा अगर आप यात्रा पर्ची बुक कर रहे हैं तो आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग करनी है, जो कि www.maavaishnodevi.org के नाम से। इसके अलावा इनका प्ले स्टोर एप्पल स्टोर पर मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है जो कि माता वैष्णो देवी के ऐप के नाम से अवेलेबल है। तो आपको ये दो माध्यम ही मिलती हैं जिससे आपको अपनी ऑनलाइन बुकिंग करनी है। आशा करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जागरूक बनेंगे और सावधान रहेंगे। देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन आप सबको सावधान ज़रूर कर सकता हूँ। जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी उसमें भी मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया था, सिर्फ आपको सावधान किया था, और इस वीडियो में भी मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से सावधान रहिए, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन और भक्तों तक शेयर हो जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि और भक्तों तक ये सही जानकारी पहुँचे और वो इस तरह के कोई फ्रॉड का शिकार ना हो। चलिए फिर मुलाकात होगी कोई और नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।